परमेश्वर के महान नाम की स्तुति हो। आप सबको इस हिंदी आराधना में स्वागत करते हैं। परमेश्वर ने हमारे जीवन में इतवार का दिन दिया है ताकि हम उस परमेश्वर की आराधना कर सकें, उस परमेश्वर की स्तुति कर सकें। आइए अपने स्थानों में अपनी आंखों को बंद करके अपने सरों को झुका के उसकी आराधना करें। महान जीवित सामर्थी परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। स्वर्ग पे विराजमान परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। वो परमेश्वर तो हमारे बीच में है राजा। आज सुबह के समय में परमेश्वर आपने हमें सुंदर सौभाग्य दिया है कि आपकी कलीसिया में एकत्रित होके आपकी आराधना करने के लिए परमेश्वर, आपकी स्तुति करने के लिए आपने हमें सुंदर मौका दिया है परमेश्वर। इस संसार में अनेक लोग हैं परमेश्वर जिनको ये परमेश्वर मौका नहीं मिला, लेकिन आपने हमें चुन लिया है परमेश्वर, आपने हमें सेलेक्ट किया है परमेश्वर कि हम आपकी आराधना करने के लिए, आपकी स्तुति करने के लिए, आपकी प्रशंसा करने के लिए आपके चरणों में आए। वो धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस सुंदर दिन के लिए, इस सुंदर समय के लिए परमेश्वर कि तूने परमेश्वर हम सबको अपनी मंडली में इकट्ठा करके हम सबको परमेश्वर तेरे नाम को ऊंचा उठाने का ये सुंदर सौभाग्य दिया है राजा। वो परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं राजा, तो आज सुबह के समय में इस आराधना से हर एक बंधन को तोड़ने वाला है, हमें आज़ादी देने वाला है, अपने वचन से हमें भरपूर करने वाला है परमेश्वर। हम तेरे ऊपर निर्भर करते हैं परमेश्वर, तेरे वचन के ऊपर हम निर्भर करते हैं राजा। पवित्र आत्मा, हमें आपकी उपस्थिति चाहिए। हमारा दिल, हमारा दिमाग और हमारा ध्यान परमेश्वर आपकी ओर होने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं राजा। इस समय को शैतान ना चुराने पाए परमेश्वर, ये समय परमेश्वर हम आपके चरण में अर्पित करते हैं राजा। ओ परमेश्वर, दिल की गहराई से तेरी आराधना करने के लिए सहायता कर राजा। आज तू अनेक चमत्कार करने वाला है, अनेक प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला है परमेश्वर, अनेक परेशानियों को हमारे जीवन से हटाने वाला है, हमारे जीवन में अनेक परमेश्वर अच्छे बदलाव लाने वाला है राजा। ओ परमेश्वर, आज सुबह के समय में हम आपकी आवाज़ को सुनने वाले हैं, आपकी मधुर वाणी को हम सुनने वाले हैं राजा। तू हमसे बातचीत कर परमेश्वर, तू हमारी अगुवाई कर राजा। इस पूरी आराधना को हम तेरे हाथ में समर्पित करते हैं राजा। शुरू से लेके अंत तक आपकी उपस्थिति हमारे साथ बनी रहने के लिए सहायता कर राजा। सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं, प्रभु यीशु के महान नाम से मांगते हैं, आमेन। हालेलुया, परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। आप सबको इस हिंदी आराधना में फिर से स्वागत करते हैं। आप सबको इस इतवार के दिन में परमेश्वर के पवित्र मंडली में देख के, परमेश्वर के चरणों में देख के अत्यंत खुशी हो रही है। परमेश्वर ने यह हमें दिन दिखाया है कि हम उसके चरण में आनंद बनाएं, हम उसके चरण में खुशी और उल्लास के साथ जाएं। आशा करती हूँ कि इतवार का दिन आप सबके लिए बहुत ही खूबसूरत दिन है कि हम सब परमेश्वर की चुनी हुई संतान उसके चरण में आके, उसके आगमन में बैठ के, उसकी उपस्थिति में बैठ के उसकी आराधना करें। आइए आज सुबह के समय में हम कुछ गीतों को गा के उस परमेश्वर के महान नाम को ऊंचा उठाने जा रहे हैं। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, दिन और रात उसके पीछे मैं चलूंगा, पीछे चलूंगा फतेह पाऊंगा, यीशु मेरा मुंजी है मसलूब। आइए मिलकर इस गीत को गाएंगे। यीशु के साथ नूर में चलूंगा, दिन और रात उसके पीछे मैं चलूंगा, पीछे चलूंगा फतेह पाऊंगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूब।
मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, दिन और रात उसके पीछे मैं चलूंगा, पीछे चलूंगा फतेह पाऊंगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूम। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, गर अंधेरी राह में ना डरूंगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूब। चलते 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 नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, घर अंधेरी राह में न डरूंगा, पैर उठाऊंगा दिल से गाऊंगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूम। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, जब कभी आवाज उसकी सुनूंगा, उससे कहूंगा तुझे सब दूंगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूम। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, ताकते ताकते रोज मदद पाऊंगा, रज़िया खुशी नया हो, यीशु मेरा मुंजी मसलूम। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, अपनी आंख उसकी तरफ लगाऊंगा, हाथ में है सलीम झंडा है अजीब, यीशु मेरा मुंजी मसलूम। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। हालेलुया। वो परमेश्वर हमारे साथ चलने वाला है। वो परमेश्वर ने हमें सुंदर ये समय दिया है कि उसकी उपस्थिति में रात और दिन चलते रहें, और ये हमारा सौभाग्य है कि हम परमेश्वर के चरणों में नूर के साथ मिलके चलेंगे, उस परमेश्वर के नाम को और ऊंचा उठाएंगे और उसके गीत गाएंगे। आइए मिलकर एक और गीत गाएंगे, यीशु साथ आएगा, अद्भुत सब काम करेगा। वो परमेश्वर हमारे जीवन में, हमारे जीवन में वो अद्भुत काम करने वाला है। वो परमेश्वर हमारे जीवन के हर एक रोगों को भगा देगा, वो परमेश्वर हमारे जीवन में चंगाई देगा,
वो हमारे जीवन में शांति देने वाला है, वो हमारे आंसुओं को पोछेगा। आज सुबह के समय में इस गीत को गा के उस परमेश्वर से कहेंगे, यीशु जब आप हमारे साथ आएंगे, आप हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म करने वाले हैं, अद्भुत काम करने वाले हैं वो परमेश्वर, हमारे हर कार्य में, हमारे हर कारोबार में हमें आशीष देने वाला है। आइए मिलकर इस सुंदर गीत को गाएंगे, यीशु साथ आएगा। यीशु साथ आएगा, अद्भुत काम सब करेगा। यीशु साथ आएगा, अद्भुत काम सब करेगा। रोग और भूतों को भगा देगा, रोग और भूतों को भगा देगा। टूटे दिलों को वो चंगा करेगा, टूटे दिलों को वो चंगा करेगा। यीशु साथ आएगा, अद्भुत काम सब करेगा। यीशु साथ आएगा, अद्भुत काम सब करेगा। आइए मिलकर उस परमेश्वर के गीत को गा के उसकी तकलीफ दुखों को भगा देगा, तकलीफ दुखों को दूर करेगा। आनंद और शांति वे मुझे देगा, आनंद और शांति वो मुझे देगा। यीशु साथ आएगा, अद्भुत काम सब करेगा। यीशु साथ आएगा, अद्भुत काम सब करेगा। कर्ज और कष्टों को दूर करेगा, कर्ज और कष्टों को दूर करेगा। आंसुओं को वो पोछ डालेगा, आंसुओं को वो पोछ डालेगा। यीशु साथ आएगा, अद्भुत काम सब करेगा। यीशु साथ आएगा, अद्भुत काम सब करेगा। सब कामों में जय पाऊंगा, सब कामों में जय पाऊंगा। शत्रु शैतान को मैं हरा दूंगा, शत्रु शैतान को मैं हरा दूंगा। यीशु साथ आएगा, अद्भुत काम करेगा। यीशु साथ आएगा, अद्भुत सब काम करेगा। रोग और भूतों को भगा देगा, रोग और भूतों को भगा देगा। टूटे दिलों को वो चंगा करेगा, टूटे दिलों को वो चंगा करेगा। यीशु साथ आएगा, अद्भुत काम सब करेगा। यीशु साथ आएगा, अद्भुत काम सब करेगा। तकलीफ दुखों को दूर करेगा, तकलीफ दुखों को दूर करेगा। आनंद और शांति वो मुझे देगा, आनंद और शांति वो मुझे देगा। यीशु साथ आएगा, अद्भुत काम सब करेगा। यीशु साथ आएगा, अद्भुत काम सब करेगा। कर्ज और कष्टों को दूर करेगा, कर्ज और कष्टों को दूर करेगा। आंसुओं को वो पोंछ डालेगा, आंसुओं को वो पोंछ डालेगा। यीशु साथ आएगा, अद्भुत काम सब करेगा। यीशु साथ आएगा, अद्भुत काम सब करेगा। सब कामों में जय पाऊंगा, सब कामों में जय पाऊंगा। शत्रु शैतान को मैं हरा दूंगा, शत्रु शैतान को मैं हरा दूंगा। यीशु साथ आएगा, अद्भुत काम सब करेगा। यीशु साथ आएगा,
अद्भुत काम सब करेगा। यीशु साथ आएगा, अद्भुत काम सब करेगा। यीशु साथ आएगा, अद्भुत काम सब करेगा। ओ परमेश्वर, तू हमारे जीवन में अद्भुत काम करने वाला है। जब तू हमारे साथ आता है परमेश्वर, जब तू हमारे हाथों को थामता है परमेश्वर, तू हमारे जीवन से परमेश्वर हर एक रोगों से चंगाई देता है, हर एक परेशानियों से तू हमें मुक्त करता है परमेश्वर। तूने परमेश्वर उस क्रूस से परमेश्वर शत्रु और शैतान के ऊपर एक जय को पाई है राजा। तू परमेश्वर हमारे जीवन की सबसे बड़ी जीत है राजा। तू हमारे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है राजा। आज सुबह के समय में परमेश्वर हमारा ध्यान उस क्रूस के ऊपर परमेश्वर उस क्रूस की तरफ होने के लिए सहायता कर राजा। चाहे संसार में परमेश्वर हम कितने भी तंगी और मुसीबत को झेलें, चाहे हर परमेश्वर परिस्थिति हमारे विपरीत खड़ी हो जाएं, चाहे हमारे चाहने वाले हमारे विपरीत खड़े हो जाएं, तो भी परमेश्वर जब तू हमारे साथ रहता है, जब तू हमारे साथ आता है परमेश्वर, तू हर एक काम को सफल करता है राजा। हर एक रोगों से हमें चंगा करता है परमेश्वर। हर एक परेशानियों को तू हमारे जीवन से दूर करता है राजा। अपनी शांति को तू हमारे जीवन में भरता है राजा। अपनी उपस्थिति से हमें भरपूर करता है राजा। हमें अपनी उपस्थिति में सुकून देता है राजा। आज सुबह के समय में अनेक लोग अपनी शांति को खो चुके हैं, अपनी खुशी को खो चुके हैं, अपने प्रिय लोगों को खो चुके हैं। इस बात को याद रखिएगा, जब यीशु हमारे साथ आता है, जब वो यीशु नासरी हमारे हाथों में है, जब हम उसके हाथों में हैं, हम सुरक्षित हैं। इस संसार की कोई भी शक्ति, इस संसार की कोई भी ताकत हमें उस परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। वो हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के चरणों में खड़े होके उस परमेश्वर की आराधना करने वाले हैं। तू हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है, तू हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है। ओ राजा, हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा, तेरी इस महान उपस्थिति के लिए, इस समय के लिए कि परमेश्वर हम आपके चरणों में आए हैं राजा। ओ राजा, तूने हमें उस कीमती लहू से खरीदा है राजा। तूने परमेश्वर हम पापियों के लिए हमारे पापों के कारण, हमारे अधर्मों के कारण परमेश्वर कितने परमेश्वर कष्ट सहने पड़े, कितने कोड़े खाने पड़े परमेश्वर, कितने लोगों ने तेरी निंदा की राजा, कितने लोगों ने तेरे ऊपर थूका परमेश्वर, तुझे क्या कुछ नहीं कहा राजा। वो परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद देते उस महान प्रेम के लिए। हम लायक नहीं है कि परमेश्वर हम तेरे प्रेम को चखे, लेकिन तब भी परमेश्वर तूने अपने प्रेम से हमें खरीदा है, अपने लहू से हमें पवित्र किया है राजा। इसी बात के लिए परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं परमेश्वर, तेरी आराधना करते हैं परमेश्वर। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, क्योंकि उस
जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। ओ परमेश्वर, तेरा लहू कीमती है राजा। तेरे लहू में जो हमें ताकत मिलती है, वो इस संसार की कोई भी ताकत से परमेश्वर हम उसे परख नहीं सकते हैं। तेरी लहू की ताकत परमेश्वर सबसे ऊंची और सामर्थ्य है राजा, और हम तेरा धन्यवाद करते हैं। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तूने वो सारी दुनिया को बचाया है, तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है, तूने वो कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती
दी है, तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है, तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिससे हम पाते छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा। ओ परमेश्वर, तूने हमसे कुछ भी नहीं चाहा राजा। इस संसार में अनेक लोग परमेश्वर हर समय ये चाहते हैं कि हम उनके लिए कुछ करें, उसके बाद फिर हम वो हमारे लिए कुछ करेंगे। वो परमेश्वर, तू वो परमेश्वर हमसे कुछ नहीं चाहता है, तूने हमसे कुछ भी नहीं मांगा है राजा। वो परमेश्वर, तेरे लहू की कीमत बहुत ज़्यादा अधिक है राजा। तेरी लहू की कीमत को परमेश्वर सुबह के इस समय में पहचानने के लिए सहायता कर। ओ परमेश्वर, तूने हमें चुन लिया है, तूने हमें चंगा किया है राजा। तूने परमेश्वर अपना बेटा और बेटी हमें बनाया है राजा। अपने बहुमूल्य लहू से तूने हमें खरीदा है राजा। हम धन्यवाद देते हैं इस प्रेम के लिए परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं तेरी इस उपस्थिति के लिए परमेश्वर। तू हमारे बीच में था राजा। ओ राजा, इस पूरी आराधना को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं परमेश्वर। तू परमेश्वर अपने वचन से हमसे बातचीत कर। सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं, मसीह यीशु के महान नाम से मांगते हैं, आमेन। हालेलुया। सर्वशक्तिमान और जीवित परमेश्वर यीशु मसीह की नाम की महिमा हो। इस सुबह के अवसर पर यहाँ पर मौजूद और YouTube के माध्यम से इस कार्यक्रम को देखने वाले सुनने वाले सबको उस महान पवित्र परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से अति स्वागत है। आइए अभी हम परमेश्वर के वचन की ओर अपने दिल और दिमाग को मुड़कर ध्यान करें। लूका की सुसमाचार के अंदर 12वां अध्याय का 49 मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूँ और क्या चाहता हूँ केवल ये कि अभी सुलग जाती। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो। यहां पर परमेश्वर ने लिखा है, दोबारा पढ़े। मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूँ और क्या चाहता हूँ केवल ये कि अभी सुलग जाती। अभी सुलग जाए, राखा शाला बाला बाला बा। अभी सुलग जाए। मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूँ और ये चाहता हूँ वे आग अभी सुलग जाए। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो। ये कैसी आग है आप कैसे समझ रहे हैं मालूम नहीं, परमेश्वर की पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा। वो ऐसी आग है पूरे देश में
फैल जाती है, ऐसे लाग है, ऐसे आग है, ये ऐसे आग है प्रेरित के काम का। 13 वचन से लेकर पढ़े। और जब वे पहुंचे हाँ, तो वे उसे अटारी पर लाए हाँ, जहां पतरस और यहुन्ना हाँ, और याकूब हाँ, और अंद्रियास हाँ, और फिलिपुस हाँ, और तोमा हाँ, और बर्तमई हाँ, और मरियम हाँ, और हलफई का पुत्र हाँ, याकूब और शिमोन और जेलोतेस हाँ, और याकूब का पुत्र यहूदा रहते थे हाँ, ये 12 शिष्य हैं। हालेलुया। और सब ये सब कई स्त्रियों हाँ, इनके साथ कई स्त्री हो, और यीशु की माता मरियम, यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ, उसके भाइयों के साथ एक चित होकर प्रार्थना में लगे रहे, एक चित होकर के प्रार्थना में लगे रहे। और उनके टोटल काउंट कितने थे? 120 व्यक्ति थे। अपने शिष्य के साथ परमेश्वर का वचन कहता है 15 में कहता है कि 120 व्यक्ति इकट्ठा होकर के प्रार्थना किया है। उस प्रार्थना एक जगह में एक मन होकर इकट्ठा, 120 व्यक्ति इकट्ठा हुआ, एक मन हुआ, एक जगह में बैठ के जब प्रार्थना करने लगा, यीशु मसीह को पैदा किया हुआ माँ मरियम उनके साथ थे, 12 शिष्य थे, और परमेश्वर को प्रिय रहने वाला बहुत से लोग, सब मिलकर 120 व्यक्ति थे, वो लोग एक मन होकर के प्रार्थना किया है। हालेलुया। प्रार्थना करने के बाद प्रेरित के काम का 2:3 पढ़ते तो वहां पर लिखता है, और उन्हें आग की सी जीभ फटती हुई दिखाई दी, आग की जीभ फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, हर एक पर आकर ठहरी। हालेलुया, शाखा रबा, हालेलुया। पवित्र आत्मा उनके पर आग जैसा आया है, उन सबके ऊपर डरा है। हालेलुया। वही दिन पेंदिकोस्त का दिन करके बोला गया है, पेंदिकोस्त दिन। अगर आप पहले से 2 अध्याय का देखो, हम जब पेंदिकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठा हुए थे। हालेलुया। वो 120 व्यक्ति प्रार्थना कर रहे थे, उसकी प्रतिफल पेंदिकोस्त दिन में इकट्ठा होकर प्रार्थना करने पर एकाएक आकाश में बड़ी आदि के सी सनसनावट का शब्द हुआ, और उससे सारा दूसरा वचन 2:2 और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीप फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, अनेक पर आकर ठहरी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो। वो ऐसा आग है, तो 120 व्यक्ति ने जो इकट्ठा होकर के ये एक मन होकर के एक जगह में प्रार्थना किया गया है, उनके ऊपर, उनके सिर के ऊपर वो आग आकर डरी गई है। वो दिन पेंदिकास्त का दिन है। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो। इस 120 व्यक्ति में 12 शिष्य हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह की मां है, और उनके साथ अनेक स्त्री हैं। सब मिलकर के प्रार्थना किया वहां पर। इस पेंदिकास का दिन जो बोला जाता है वही है परमेश्वर की आग में। आग भूमि में या पृथ्वी में आग लगाने आया हूं, वे अभी छुलक जाना चाहता हूं। परमेश्वर ने उस दिन, हालेलुया, छुलका हुआ आग, हालेलुया, पूरे लोक पर पहुंचा। कैसे पहुंचा? अपने पत्रोस ने उसमें से एक व्यक्ति खड़ा होकर के जब परमेश्वर के वचनों को प्रचार करने लगा, 3,000 और दूसरा बार 5,000 करके वहां पेंदिकोस्त दिन का जो आग छलकने लगी, तो वहां के लोग 3,000 परमेश्वर को पाए, 5,000 व्यक्ति परमेश्वर यीशु मसीह को पाए। बड़ा
पुनर्जीवन रिवाइवल वहां पर हुआ है। वो रिवाइवल हर देश में पहुंचा, हर देश में वो आग का ज्वाला छलकने के बाद हर जगह हर देश में पहुंचने लगा, पहुंचा हमारा देश में भी आया। वो जो 12 भक्ति हमने पढ़ा उसमें तोमा है, वो तोमा तोमा के ऊपर डाला हुआ आग हमारा हिंदुस्तान में आया। हिंदुस्तान में आकर के वो आग लगी है तो हम और आप उसकी आग का प्रतिबल है। अभी हम परमेश्वर की कलिसिया में कड़े हैं। हालेलुया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो। वो पुनर्जीवन रिवाइवल, पुनर्जीवन का मतलब हाँ बेदारी आई। परमेश्वर की आग जब छलक जाने पर वहां पर बेदारी उठी, पूरी संसार पूरे लोग में वो पहुंचा हुआ आग। तो हमारा इंडिया देश, इंडियन इंडिया, इंडिया के अंदर भी ये अपना प्रेरित तोमा के रूप में इधर आकर के यहां पर विभाग ऐसा फैला। तो इसके वजह से आप और हम प्रभु को जाने, सर्वशक्तिमान परमेश्वर को जाने। आग डालने आया हूं भूमि में या पृथ्वी में, मैं आग लगाने आया हूं, वो अभी सुलग जाए, अभी सुलगना चाहता हूं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो। वही आग है, ये बुझा नहीं सकता। इस आग के बारे में जो व्यक्ति जानेगा, इस आग के बारे में जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर लेगा, वो कभी उसको बुझा नहीं पाएगा। जो जान लेता है, अब उसकी वजह से वो आग और फैलते 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 जाएगी। अभी हम इस आग का, ठीक है, ये आग समझ लें, ये आग के अंदर क्या है गुण, उसकी आग की गुण के बारे में थोड़ा सा ध्यान करने जाएंगे। आग के अंदर तीन किस्म की काम है, एक तो रोशनी देती है, दूसरा जो है अपने पास जो आने वाला है उसको भस्म कर देती है, और तीसरा फैलते जाएगी, इतना जल्दी फैलना फैलते जाएगी। आप अपने बीच में भी, आप और हम कहीं घर में अचानक कहीं आग लग गया तो हमने देखे होंगे, ये घर में पकड़ेगा इतनी जल्दी वो पटापट दूसरे घर, दूसरे घर, अगर उसमें मिला हुआ जो भी चीज है, पेड़ की जो भी होगा, सब फैलते जाएगी। विकास के अंदर तीन किस्म की गुण है, एक तो रोशनी देगी, दूसरा उसके पास जाने वाला जिसको जो भस्म कर देगा, और दूसरा जो है फैलते जाएगी, फैल जाने की ताकत रखती है, भस्म करने की ताकत रखती है, रोशनी रोशनी देने का ताकत रखती है। हालेलुया, वह आग परमेश्वर आग आपके अंदर मेरे अंदर डालने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर आया इस संसार के अंदर। वो अभी परमेश्वर चाहते हैं अभी सुलग जाए। तो रोशनी कैसी देती है करके हम थोड़ा सा तो गहराई से उसको ध्यान करें। पहले जब यीशु मसीह इस संसार में थे उस समय बिजली नहीं थे, उस समय कहीं भी बिजली नहीं थे। अभी देख रहे ना हम बिजली की वजह से क्या 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 इस्तेमाल हो रहा है। उन दिनों में बिजली की मतलब ही नहीं था। तो कहीं जगह में जाना है तो अपना लोग अपने अंदर जो है मशाल दीवट मशाल को लेकर मशाल के अंदर आग जला करके जो लेकर हाथ में पकड़ के ले जाते हैं दीवट, ये मशाल बोलते हैं ना, मशाल को लेकर चलते थे। तब जाकर के रास्ता पता चलता है, रोशनी देगा, उस रोशनी के जात चलते थे, क्योंकि बिजली नहीं, बिजली नहीं है होने से हमको कितने कितने प्रॉब्लम आ जाती है हम और आप अच्छी तरह जानते हैं। तो उन दिनों में बिजली ना होने के वजह से दीवट लेकर जाते थे। अब वो दीवट क्या किया, रोशनी दिया कि नहीं,
इसका मिसाल हम देखे तो माती सुसमाचार के अंदर 25 का एक पहला वचन हम पढ़ के देखे तो वहां लिखा है, तब स्वर्ग का राज्य, स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा, 10 कुंवारियों के समान होगा। एक परमेश्वर मिसाल बता रहे हैं, किसको उदाहरण लेकर के बता रहे हैं। तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा, समान होगा, जो अपने मशाले लेकर, मशाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को, भेंट करने के लिए निकलते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम हुआ। मैं इस वचन को क्यों बोल रहा हूं, तो उस जमाने में, उस दिनों में बिजली ना होने के वजह से 10 कुमारियों ने जो है अपना सर्वशक्तिमान परमेश्वर दुल्हन बन के परमेश्वर से भेंट करने जा रहे थे। तो कैसे जाने हैं, उस दिनों की हकीकत को मैं सामने रखना चाहता हूं आपको। तो उस समय बिजली नहीं होने के वजह से दीवट मशाले लेकर के वो जाकर के अपना परमेश्वर से मिलने भेंट करने जा रहे थे। तो कारण क्या है कि वो मशाले पकड़ के जाने पर रास्ता दिखाई देता है, नहीं तो अंधेरा है, तो रोशनी देते जाएगी, उस रोशनी के अनुसार वो अपना रास्ता निकलता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो। तो आग के अंदर रोशनी है, मैं इस पृथ्वी पर आग डालने आया हूं, वो ये चाहता हूं वो अभी सुलग जाए, कल नहीं, परसों नहीं, एक घंटा की बात नहीं, अभी, राइट नाउ, अभी सुलग जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा। सचमुच में अगर आप इस आग को पहचान लेंगे, आप भी इस संसार के अंदर आपके साथ रहने वाला, आपके साथ बात करने वाला, आपके घर में, आपकी गली में, आपकी गांव में, आप नगरी में, आप भी रोशनी देते जाएंगे। बिना परमेश्वर की आग जलाए हुए ये रोशनी बाहर नहीं निकलेगी। हालेलुया। प्रिय भाई हो, प्रिय बहन हो, बुजुर्ग हो, जवान हो, इस बात को समझो, परमेश्वर संसार के अंदर, दुनिया के अंदर, पृथ्वी के अंदर आग डालने आया है। हालेलुया। परमेश्वर की वजन आग है, इस वजन को ढंग से आप जानिए, वो आग रोशनी देते जाएगी। पहले आपकी घर में, आपकी गली में, आपकी गांव में, आप नगरी में, आप रोशनी देता हुआ व्यक्ति बन करके जाएंगे। हालेलुया। इसलिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर के आग के बारे में आप जानो, वो रोशनी देता है। दूसरा, वो उसके नजदीक जाने वाला सबको पश्चिम कर देगा। हालेलुया। कितने भी आपके अवगुण हैं आपके शरीर के अंदर, आपकी जो बोली चाल चलन सबको पश्चिम करके आपको नया मनुष्य बना देगा। इसका मिसाल हम देख जाएंगे तो दूसरा इतिहास के अंदर 7वें अध्याय का पहला वचन पढ़ के देखे तो वहां क्या हुआ करके पता चलता है। जब सुलेमान, सुलेमान ये प्रार्थना कर चुका, प्रार्थना कर चुका है, तब स्वर्ग से आग ने गिरकर, स्वर्ग से आग गिरकर होम बलियों तथा और बलियों, ओम बलियों तथा और बलियों को भस्म किया, भस्म किया, और यहोवा का तेज भवन में भर गया। हालेलुया। भवन के अंदर परमेश्वर की आग की तेज भवन में भर गया और रखा हुआ होम बलि और बलियों को भस्म कर दिया। परमेश्वर की आग ऐसी आग है, वो पश्चिम कर देगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो। और इतिहास, दूसरा इतिहास आप पढ़ के देखे तो वो कैसा कैसा प्रार्थना करता है सुलेमान परमेश्वर के लिए। उसने ऐसा बहुत से लोग आकर देखते थे वो परमेश्वर के बनाए हुआ मंदिर, बनाए हुआ चर्च को, उसके लिए बलिदान देते देते और वहां की जो इस्राएली लोग के पापों को प्रायश्चित करते हुए वो प्रार्थना कर रहा था। उस प्रार्थना सुनकर
वहां पर बलि चढ़ाया गया, होम बलि और बलियां, पूरी बलियां चढ़ाकर प्रार्थना किया तो परमेश्वर स्वर्गलोक से पवित्र परमेश्वर की आग वहां पर जो है होम बलि और बलियों को पशम कर दिया और दोबारा वो वजन को दोबारा हम पढ़े। जब सुलेमान ये प्रार्थना कर चुका, तब स्वर्ग से आग ने गिरकर, होम बलियों तथा और बलियों को भस्म किया और यहोवा का तेज भवन में भर गया। परमेश्वर के भवन बनाकर, नया भवन बनाया, बहुत बड़ा भवन बना करके वो प्रार्थना कर रहा है, होम बलि चढ़ा के, बलि चढ़ा करके जो प्रार्थना किया, परमेश्वर की आग वहां पर उस बलियों को पशम कर दिया और भवन के अंदर वो महिमा से भरा हुआ है तो कोई भी अंदर जा नहीं सकता। उसमें लिखते हैं वहां की सेवक, प्रथम सेवक तक अंदर नहीं जा सका, तो ना परमेश्वर की महिमा वहां भरा हुआ, आग की महिमा। प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, परमेश्वर की आग ऐसी आग है इस आग के बारे में आप जानो तब वो आग आपके ऊपर आएगी। अभी इस वक्त सुलग जाने की परमेश्वर चाहता है। सुलग जाने पर आपकी शरीर के अंदर कितने भी अवगुण है, आप सोच रहे हो जो कोई भी बात मुंह से नहीं छोड़ पाता है, ये गंदा काम मुंह से नहीं हो पाता है, मैं से मुझे छोड़ता नहीं है करके आप रो रहे हो। अब जिंदगी में ये काम से मैं आदि बन गया हूं और ये मुझे छोड़ के जाना नहीं चाहता, तो परमेश्वर आग अभी इस वक्त हम अंत में प्रार्थना करेंगे तो ये आग के लिए आप हमारे साथ प्रार्थना करेंगे। मैं इस धरती में आग डालने आया हूं और ये चाहता हूं कि ये आग अभी सुलग जाए, तो इस बात पर आप शामिल होकर के प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर की आग आपकी हवागुण कितना भी है, कितना जो गंदे काम है, अपने स्वाब गंदा स्वाब सबको पशम कर देगा, अब नया व्यक्ति बन जाएगा, नया जीवन आपको आ जाएगी जीवन के अंदर। हालेलुया, आप जिंदगी बदल देगी, बदला देगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आग के अंदर इतनी ताकत रखती है। परमेश्वर के इस आग को आप पहचानो। परमेश्वर जो भी बात बताई गई है वो उदाहरण के साथ, दृष्टांत के साथ हमको समझाया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो। और तीसरा, ये आग के अंदर जल्दी फैलने का ताकत रखती है, जल्दी से जल्दी फैलने का ताकत। हालेलुया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो। हालेलुया, कैसे फैलती है? अभी आमदार पर आप जो है फायरिंग वगैरह को हमने देखते हैं तो पटापट आग जब बस लगाते ही इतना जल्दी 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 जो है फैलते 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 जाती है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर भी वो रेफरेंस आपको दिखाना बोलना नहीं चाहता हूं मैं। एक कानानी स्त्री को परमेश्वर ने बात की तो वो स्त्री जाकर के पूरे गांव में फैला दिया। फैलाने से पूरे वहां से गांव वाले सब आकर के ईश्वर के पास आ चुके। वो एक स्त्री ने अपने परमेश्वर की जो बात है, परमेश्वर ने उससे बात किया। मैं जिंदगी में क्या क्या बात हुआ है वो सब एक मनुष्य ने बता दिया। हो सकता वो यीशु मसीह हो, सब आकर देखो करके बोल दिया। सभी ने आकर उसको देखने लगे। वहां पर सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रचार करके बहुत से लोग परमेश्वर के पीछे चल पड़े।
परमेश्वर की वजन आग है, ये आग फैलते जाने की क्षमता रखती है, क्षमता रखती है। अगर सर्वशक्तिमान परमेश्वर इस आग, ये परमेश्वर हमारे ऊपर इस आग सुलग जाने की दया करो करके प्रार्थना करेंगे, तो ये आग आप जब आपके अंदर आ जाती है तो आप परमेश्वर के वजन वजन को फैलाने वाला कि फैलने की ताकत रखती है। वजन वजन ही आग है, वागी वजन है। इस वजन जो है आप जब आप पाएंगे, आपके परिवार पाएगी और आपके गली वाला पाएंगे, आप जिस गली में रहते हैं वो लोग को सुनाएंगे और उसके गांव में सुनाएंगे और नगरी में सुनाएंगे, वो सब कलिसिया में आएंगे। हालेलुया। परमेश्वर आग जलाने का, आग परमेश्वर ये धरती में डालने का मतलब समझो हो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पहला लूका का 12 का 49 हम अंत में पढ़ेंगे। लूका सुसमाचार। मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया, मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूं, और क्या चाहता हूं, क्या चाहता हूं, केवल ये कि अभी सुलग जाती, अभी सुलग जाए। हालेलुया, अभी सुलग जाए, एक घंटा के बाद नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, अभी मैं पृथ्वी पर आग डालने आया हूं। वो ये चाहता हूं वो अभी सुलग जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का आग के गुण आपके सामने रख दिया। ये आग दुनिया को रोशनी देगी, ये आग इसके बाद जाने वाला सबको पशम कर देगा, ये आग फैलते जाएगी। इसलिए ये आग सुलग जाना जरूरी है, आपके अंदर सुलग जाना जरूरी है, ये सुनने वाले सबके ऊपर सुलग जाना जरूरी है, वो अभी सुलग जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। जैसे पिंतेकोस्त दिन में ईश्वर ने दिया वो आग उजाला बनकर उन 120 व्यक्ति के ऊपर उजाला बनकर के उनके सिर में टहरा है, वो आग आपके ऊपर मेरे ऊपर टहरने की, अभी इस वक्त सुलग जाने की सर्वशक्तिमान परमेश्वर चाहता है। आप और हम अपने और दिल दिमाग को सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने, हे प्रभु इस बात को मैं हमने जाना नहीं था, ऐसे पढ़ते गए लेकिन इस बात को आज समझ गया, मेरे दिल और दिमाग मेरी सोच सबको आपके सम्मुख में चढ़ाते हैं प्रभु, हमें शुद्ध कर, ये आग मेरे अंदर भी सुलग जाए, अभी सुलग जाए प्रभु, अभी मैं अपने दिल और दिमाग को अर्पण करता हूं, मेरे प्राण शरीर आत्मा को अभी मैं आपको सरेंडर करता हूं प्रभु जी, मेरे अंदर भी ये आग अभी सुलग जाए। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेरे नाम की स्तुति और महिमा हो, आपने दिया हुआ बहुमूल्य वचन को मैं बांट दिया हूं, जिसने सुना है जिसने देखा है सबके ऊपर आग अभी सुलग जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। रोशनी उनकी जिंदगी में आ जाए, कितने भी उनकी जिंदगी में अवगुण है उस पश्चिम किया जाए, और ये आग उनके द्वारा हरेक को फैलते जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हमारा जिंदगी बदला कर, जीवन बदला कर, हमारा चाल चलन बदला कर, हमारा बोली बदला कर, मेरे वजह से ये फैलते 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 सर्वशक्तिमान परमेश्वर की इच्छा ये संसार में पूरा करे। दोबारा में हमारा जीवन
दिल और दिमाग, शरीर, प्राण, आत्मा सब तेरे सम्मुख में अर्पण करते हैं प्रभु। अभी इस वक्त मेरा मैं मुझे के अंदर डाला हुआ आग अभी सुलग जाए, अभी सुलग जाए, अभी सुलग जाए। यीशु मसीह के नाम से ये छोटे से प्रार्थना सुन और ग्रहण कर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। हम सब मिलकर बोले, ये मेरे मन यहोवा की धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम की धन्य कहे। मेरा मन यहोवा की धन्य कहे और उसकी किसी भी उपहार को ना भूलना। प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और परमेश्वर की प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभाग्यता हम और आप सबके साथ हमेशा होता रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।